इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डीएफई जो यहाँ पर ये वॉच है, इसमें पता नहीं कैसी लैंग्वेज लग जाती है, तो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की लैंग्वेज यहाँ पर ये लग चुकी है, समझ में भी नहीं आ रही कि ये लैंग्वेज क्या है। इसको हम हिंदी में करने वाले हैं, सॉरी इंग्लिश में करने वाले हैं या फिर हिंदी में करने वाले हैं, तो कैसे कर सकते हैं ये अब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से आप ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए आपको बेसिकली करना ये है कि आपको यहाँ पर सिंपली आपको यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाना है और डीएफिट को यहाँ पर सर्च कर लेना है, ठीक है, ओपन कर लेना है इसको। और ध्यान रखिए कि मैंने कनेक्ट करने वाली वीडियो इससे पहले ही बना रखी है, कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर नहीं है तो बस यहाँ से आप जो है इसे ये वाला सिंबल देख लीजिएगा, ये वाला फ़ोन हो गया यहाँ पर ये, और ये ब्लूटूथ वाला ऑप्शन आपको बस ऑन करना पड़ेगा, ठीक है, इतना आपको करना है। ये आपको पता ही चल जाएगा कि क्या है, ब्लूटूथ का सिंबल यहाँ पर हल्का सा बना हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है, ये करना है। बाकी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन सा सिंबल रहता है। पहले हम यहाँ पर इसकी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं, और हमारा कनेक्ट हुआ हुआ है पहले से, तो हमें यहाँ पर अदर्स पर जाना है और यहाँ पर हमें दिखाई दी जाती है लैंग्वेज, तो हमें इंग्लिश यहाँ पर कर लेनी है और इसे कर देना है डन। एकदम यहाँ पर हो जाएगी ये चेंज, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा फोन की सेटिंग्स, ये हमारी ऑन है, ये ऑन रहनी चाहिए बस कनेक्ट करने से पहले। तो यही करना है बस आपकी, फिर आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ पर तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।